दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर जो है बहुत बैंकों में इनेबल कर दिया गया है। फर्स्ट फेज जो आया था सेंट्रल बैंक कैनरा बैंक में आ गया था, सेकंड फेज में 7 बैंक में और आ गया आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर। वो भी आपको आगे बताएंगे कौन से वो 7 बैंक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि पेटीएम में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर आया है या अभी नहीं, या कब आएगा, सब कुछ आपको लाइव प्रूफ आज की वीडियो में दिखाएंगे। क्या है कि भीम ऐप में यहाँ पर आधार कार्ड का जो यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर है आने का, उसने जो NPCI ने अपना डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सब कुछ आगे हम बताएंगे क्या डेट है, 7 बैंकों में कौन कौन से आया है वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम पेटीएम में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर आया है अभी तक नहीं। सबसे पहले अपना पेटीएम एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर प्रोफाइल मिल रही है, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये रही आपकी प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, हमारी प्रोफाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आपको पेज को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सामने यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा आपको पेमेंट सेटिंग्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा UPI लिंक्ड बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर से आपके सामने जो आपने बैंक अकाउंट ऐड करके रखे होंगे सो होगा। तो हमने यहाँ पर भी पेटीएम पेमेंट बैंक को फिलहाल ऐड करके सिर्फ रखा है, हमें यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको हमें बैंक सर्च करना है, जिस भी अकाउंट को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको बैंक यहाँ पर सर्च करना है। अगर आपको देखिए पॉपुलर्स बैंक में है तो ऊपर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर पॉपुलर्स बैंक में नहीं है तो आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है, अपने बैंक का नाम सर्च करना है। हमारा जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ऊपर देखिए यहाँ पर SBI बैंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है, हम SBI बैंक पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा अकाउंट SBI में है। तो SBI बैंक पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो है डिटेल ये वेरीफाई कर रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है जब तक आपकी बैंक डिटेल वेरीफाई ना हो जाए। देखिए बैंक डिटेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है, उसके बाद में देखिए आपके सामने बैंक अकाउंट हमारे यहाँ पर ये आ गया। देखिए अकाउंट होल्डर का नेम आ गया, यहाँ पर अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। तो हमें यहाँ क्लिक करना है सेट UPI पिन पर, UPI पिन हम यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए क्या क्या डिटेल मांग रहा है, आधार कार्ड की या डेबिट कार्ड की, तो हम सेट UPI पिन पर क्लिक करेंगे। सेट UPI पिन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी डेबिट कार्ड की डिटेल ही मांग रहा है, आधार कार्ड की डिटेल नहीं मांग रहा है। तो क्या रीज़न है, क्यों मांग रहा है डेबिट कार्ड की डिटेल, अगर ये आपको जानना है तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हमने पूरा रीजन इसका बताया है कि क्यों भी जो पेटीएम है या कोई भी बैंक अकाउंट है वहाँ पर अभी आधार कार्ड की डिटेल नहीं मांग रहा है, क्यों भी डेबिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है। तो आप जाके वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वो जो 7 बैंकों में आधार कार्ड के यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर आया है, वो भी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसमें 7 बैंक कौन कौन से हैं जाकर अपना चेक कर सकते हैं, अगर उसमें से आपका अकाउंट है तो वहाँ पर आप UPI पिन सेट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था बैंकिंग से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कमेंट कर उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ऐसे बैंकिंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैंकिंग से जुड़ी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं।